विश्व कप में जीत का पंजा खोलने के लिए आज भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वो करना है जो पिछले 20 सालों से वो नहीं कर पाया है। जी हां, भारत ने न्यूजीलैंड को विश्व कप में आखिरी बार साल 2003 में हराया था और उसके बाद जो है न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम से नहीं हारी है। हार्दिक पांड्या इस मैच से बाहर है, वो नहीं खेलेंगे। तो इन सारी परिस्थितियों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो आज मुकाबला होना है उसमें किस टीम का पलड़ा रहने वाला है भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, आज आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप 2023 का बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला आज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में खेला जाना है। आपको बता दूं कि अगर पॉइंट टेबल की तरफ आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड की टीम टॉप की टीम है और भारत दूसरे नंबर की टीम है। मतलब ये भिड़ंत है नंबर वन और नंबर टू के बीच में इस विश्व कप के। तो ऐसे परिस्थिति में ये मैच कितना नजदीकी हो सकता है ये आप अनुमान लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि भारतीय टीम बगैर हार्दिक पांड्या के है, तो भारतीय टीम को जीतने के लिए क्या कुछ करना होगा। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में सही टीम संतुलन ढूंढना भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा काम है। और अगर भारत ने परफेक्ट कॉम्बिनेशन चुन लिया, परफेक्ट 11 चुन लिया इस मैच के लिए, तो फिर न्यूजीलैंड को भारतीय टीम शिकस्त दे सकती है। आप अगर देखें तो आप पाएंगे कि भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या की जगह लेने के लिए कई दावेदार हैं। या तो आप सूर्य कुमार यादव को खिला सकते हैं या फिर आप ईशान किशन को खिला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बैटर हैं। हार्दिक पांड्या का जो दूसरा पक्ष है गेंदबाजी का, उसके लिए भी आपको टीम में संयोजन ढूंढना होगा। और इससे मुझे लगता है कि एक नहीं दो परिवर्तन होगा। मतलब जब हार्दिक पांड्या की जगह कोई खिलाड़ी आएगा तो शार्दुल ठाकुर की जगह भी किसी खिलाड़ी को लेना पड़ सकता है। और ऐसे परिस्थिति में सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। धर्मशाला में मैच है और जो मौसम डिपार्टमेंट जो है बातें कह रहा है मौसम विभाग, उसके अनुसार जो है वो क्लाउडी वेदर रह सकता है, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्मशाला में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय टीम चाहेगी कि जो उसके परफेक्ट तीन बॉलर हैं, मतलब जसप्रीत बुमराह, सिराज और मोहम्मद शमी, उन तीनों को प्लेइंग 11 में शामिल कर अपनी गेंदबाजी को मजबूत कर लिया जाए और स्पिनर के तौर पर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव रहे। लेकिन जो थिंक टैंक के दिमाग में ये बातें भी आ रही होंगी कि न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर में चार चार लेफ्ट हैंडर बैटर हैं। कौन वे हैं? रचिन रविंद्र हैं, लैथम जो कि कप्तानी करेंगे वो हैं, और इसके अलावा चैपमैन भी हैं। तो चार टॉप ऑर्डर बैटर जो हैं वो लेफ्ट हैंडर हैं। तो ऐसे में थिंक टैंक ये भी सोच सकता है कि वो अश्विन के साथ इस मैच में जाए। तो इसलिए रोहित शर्मा के लिए इस मैच से पहले जो सबसे कठिन काम है वो यही है कि वो प्लेइंग 11 क्या चुने। तो देखना है भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ जाती है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम की शक्ति जो है वो ये है कि वो एक टीम के तौर पर खेलती है और वो इसी तरह का प्रदर्शन इस पूरे विश्व कप में अब तक कर भी रही है। वैसे अगर हम देखें कि न्यूजीलैंड ने किसे किसे पराजित किया है,
तो एक मजबूत इंग्लैंड की टीम को पहले ही मैच में पराजित कर दिया था, डिफेंडिंग चैंपियन को, और इसके बाद जो तीन मिनोज हैं, छोटी टीमें हैं, उनको जो है न्यूजीलैंड की टीम ने पराजित किया है, नीदरलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। दूसरी तरफ भारत ने दो मजबूत टीमों को शिकस्त दी है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, और इसके अलावा अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ भी भारतीय टीम को जीत मिली है। तो भारत को जीत के लिए जो चीज करनी है वो यही करनी है कि जो चीज वो अब तक इस विश्व कप में करते आया है उसी चीज को वो दोहरा दे, मतलब अच्छी शुरुआत की जरूरत होगी भारतीय टीम को, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो टीम को एक अच्छी शुरुआत दें। उसी तरह से भारतीय तेज गेंदबाजों पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो अर्ली विकेट लें। कुलदीप यादव ने कहा भी कि बुमराह और सिराज ने जो विकेट निकाले हैं उससे हमारा काम आसान हुआ है और हम इफेक्टिव हो गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो देखनी होगी। इसके अलावा आप जो है न्यूजीलैंड की टीम को देखेंगे तो उसमें ऑलराउंडर्स की कोई कमी नहीं है और उनकी पेस बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी है। वहां पर ट्रेंट बोल्ट के आ जाने से न्यूजीलैंड की टीम मजबूत हुई है। वहां पर फर्ग्यूसन है जिनकी स्पीड 150 के से ज्यादा तक होती है। इसके अलावा जो है मैट हेनरी हैं जो कि कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं इस विश्व कप में। तो तीन विशुद्ध तेज गेंदबाज उनके पास हैं और इसके अलावा सेंटनर तो है ही, उनका साथ देने के लिए रचिन रविंद्र हैं और फिर जो है ऑलराउंडरों की एक श्रृंखला है जो कि गेंदबाजी भी करती है। तो इस तरह से आप देखें तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो एक संतुलित टीम के तौर पर दिखती है। लेकिन यह बात भी सच है कि भारतीय टीम भले ही हार्दिक पांड्या नहीं है लेकिन भारतीय टीम में इतनी कुवत है कि वो न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दे दे। अगर आप भारतीय टीम की बात करें तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ये जो टॉप थ्री गन है उनका परफॉर्म करना बैटिंग में जरूरी है। और इसी तरह से गेंदबाजी में अगर हम बात करें तो बुमराह, कुलदीप, जडेजा और सिराज, शमी, अगर ये परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर न्यूजीलैंड के लिए जो है राह मुश्किल हो जाएगी और उनके जो जीत का सिलसिला है वो टूट भी सकता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूं तो मुझे लगता है कि इस मैच में जो मुकाबला है वो बहुत नजदीकी होने जा रहा है, बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा और इस कांटे के मुकाबले में थोड़ा सा एज जो है वो भारतीय टीम को है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब न्यूजीलैंड की टीम भारत इसी साल आई थी तब भारत ने उसका क्लीन स्वीप किया था, 3-0 से पराजित किया था। हालांकि अब इस टीम में कुछ बदलाव हैं, ट्रेंट बोल्ट आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर टीम इंडिया अपने पोटेंशियल पर खेले तो वो न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त देकर जीत का पंजा खोल सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।